महाराष्ट्र के नवनियुक्त मंत्री छगन भुजबल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की येवला रैली के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए रविवार को कहा कि पार्टी में विद्रोह उनके परिवार में हुआ था और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं। शरद पवार ने शनिवार को भुजबल के विधानसभा क्षेत्र नासिक के येवला में एक रैली की थी और भुजबल पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा था कि उन्होंने कुछ लोगों पर भरोसा करके गलती की। भुजबल और अजित पवार समेत राकांपा के 8 विधायक 2 जुलाई को शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा से बगावत कर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुए थे। भुजबल ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शरद पवार साहेब, आप येवला क्यों आए? मैं इसे समझ नहीं सका। मैं विद्रोह के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, यह आपके परिवार में हुआ था। एनसीपी नेता भुजबल ने कहा कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता है जो रैलियां करते हैं और भाषण देते हैं। भुजबल ने कहा कि पवार साहब सोचते हैं कि यह विद्रोह मैंने किया है, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ऐसा उनके परिवार में हुआ है। प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में उनके सहयोगी है, अजित पवार उनका परिवार है और दिलीप वालसे पाटिल उनके करीबी सहयोगी है।